सो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट इस चैप्टर का, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी का मतलब ऑलरेडी समझा दिया था, फिर से एक बार हम बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं। तो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें पता है इस दुनिया में काफी सारे ऐसे प्लांट है जिनको हम प्लांटेशन पोर्ट में भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्म में भी कर सकते हैं, जमीन में भी कर सकते हैं। आजकल तो प्लांट को हम वाटर के अंदर भी इम्प्लांट कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर जो हम कहते हैं, ठीक है। और इतने सारे एनिमल है जो पानी में रहते हैं, मतलब बेंथोनिक एनिमल होते हैं जो समुद्र के एकदम डीपली रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, पानी से जमीन पे आ सकते हैं, एयर में रह सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, इन सब की एक ही कंसेप्ट होती है, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज नथिंग बट द चेंजेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइन एज इट इज नथिंग बट द चेंजेस अमंग द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दिस टॉपिक फ्रॉम द दिस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, ये सेकंड टॉपिक है इसमें। तो इसे हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन, व्हाट इज मीन बाय क्लासिफिकेशन। आप खुद ही गेस कर लो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मान लो आप कोई मॉल में जाते हो, सुपरमार्केट में जाते हो, और आपको कुछ जनरल स्टोर मतलब खुद के घर का किराना, यस किराने की मतलब फूड आइटम्स परचेस करने, तो एक बिग सुपरमार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट होता है, क्रोकरी होता है, फूड आइटम्स होता है, खिलौने होते हैं, कपड़े होते हैं, सब। तो हम सबसे पहले फूड आइटम में जाएंगे और फूड आइटम में से हम सिलेक्टेड हमारा मटेरियल सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सुपरमार्केट वालों ने एरो बना के लिखा होता है कि दिस इज क्लोथ मार्केट साइड, दिस इज वन द इलेक्ट्रॉनिक साइड, एंड दिस वन इज अ फूड, दिस वन इज द प्लांटेशन एक्सेट्रा। मतलब उन्होंने पूरा पूरा लाइब्रेरी बना के रखी होती है, क्लासिफिकेशन बना के रखा होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन कैन बी डिफाइन एज इट इज नथिंग बट द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक पैटर्न के तहत हम अरेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। और अगर हमें क्लासिफिकेशन देखना है तो हमें दो चीजें इजीली समझनी होंगी, वो चीजें होंगी व्हाट इज मीन बाय सिस्टेमिक एंड व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी। हमें ये दो चीजें समझनी होगी क्लासिफिकेशन में, व्हाट इज मीन बाय सिस्टेमिक, व्हाट इज मीन बाय सिस्टेमिक एंड व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी। तो सिस्टेमिक और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है, देखो मुझे पूरा पूरा बोर्ड भरना है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। सिस्टेमिक इज नथिंग बट स्टडी ऑफ similarity and dissimilarity amongst two living organism. Systemic can be defined as it is nothing but the, आप अगर notebook में note down करते हो तो video को थोड़ा pause करके भी आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो systemic का मतलब क्या होता है, systemic is nothing but the branch of a biology which deals with the study of similarity and dissimilarity among two living organism. Systemic is nothing but the branch of a biology which deals with the study of a similarity and dissimilarity amongst two living organisms. For example, animal and plant. What is similarity between them? Yes, animal shows cell membrane and cytoplasmic organelle. Plant also shows cell membrane and cytoplasmic organelle. Animal also shows sexual reproduction. As well as some animal shows asexual reproduction. Plant also shows sexual reproduction. Some plant also shows asexual reproduction. तो ये similarity होगी। अब dissimilar देखो। Animal have a cell wall, is it? No. Animal have a cell membrane. Plant have a cell wall. Animals are heterotrophic. Plants are autotrophic. Animal cannot prepare their food by photosynthesis. They are consumer. And plants can prepare their food material. Therefore, they are producer. तो ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी होगी किसके बीच में, प्लांट और एनिमल के बीच में, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो इस वाली कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे सिस्टेमिक। और अब टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, description एंड
क्लासिफिकेशन, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। मान लो हम एक एरिया में जाते हैं, वहां पे काफी सारे प्लांट है, और से फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग इनटू वन ट्रिप और पिकनिक ट्रिप एंड यू फाउंड सेवरल फ्लावर्स आर देयर, बट योर बायोलॉजी टीचर, बॉटनी टीचर इज नॉट विद यू, सो यू आर इंटरेस्टेड टू नो क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फ्लावर, सो यू विल ब्रिंग द फ्लावर टू द यू कैन से टीचर, सो यू विल फर्स्ट डू द कलेक्शन, देन योर टीचर विल आइडेंटिफाई स्लाइटली दैट दिस इज फ्रॉम यू कैन से एंजियोस्पर्म, दिस इज फ्रॉम द एंजियोस्पर्म, मोनोकोटिलोडोन, डाइकोटिलोडोन, व्हाट एग्जैक्टली, तो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब उसके नाम दिए जाएंगे, यस, या तो कॉमन नाम दिए जा सकते हैं या तो साइंटिफिक नाम दिए जा सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे फ्लावर कैसा है, कलर कैसा है, पॉलीगैमस है, पॉलीगैमस है, हाइपोगैमस है, सुपीरियर ओवरी है, इंफीरियर ओवरी है, वो डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। और फाइनली उसका क्लासिफिकेशन होगा, किंगडम, सब किंगडम, डिविजन, ये सब पूरा का पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन होगा। और फाइनली जब क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस प्लांट को डिवाइड कर सकेंगे, मतलब क्लासिफाइड कर सकेंगे। सो सिस्टमिक इज नथिंग बट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग्स टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो ये था हमारा सिस्टमिक एंड टैक्सोनॉमी। अब हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक। तो इस टॉपिक में सबसे पहला जो सब टॉपिक हम लेंगे वो होगा नोमेनक्लेचर, यस। व्हाट इज मीन बाय नोमेनक्लेचर? एक चीज याद रखिए कि नीट में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कहा गया है कि हम साइंटिस्टों के नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी कभी पूछे भी जाते हैं। तो मैं आपको कहता हूं नोमेनक्लेचर में एक हम टॉपिक देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैं आपको पढ़ाता हूं डिटेल में, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ गिविंग नेम। नोमेनक्लेचर इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ गिविंग नेम। से फॉर एग्जांपल आपके क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राजेश, ठीक है, और आज उसका बर्थडे है और वो आपको इन्वाइट करता है कि मेरे घर पे सब लोग आओ, हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तो जैसे ही आप उसके घर के एरिया में जाते हो, आपका उसका घर नहीं पता, तो आप सबसे पूछते हो कि राजेश का घर कहाँ है, तो कोई किसी को पता ही नहीं। फिर आप राजेश को फोन करते हो, यार कि हम तो पूछ रहे हैं सबको कि राजेश का घर कहाँ है, लेकिन किसी को पता ही नहीं। तो राजेश आपको बताएगा कि किसी को राजेश मत पूछो, उनको पूछो चिंटू का घर कहाँ है। तो जैसे ही आप पूछते हो कि यार चिंटू का घर कहाँ है, तो डायरेक्टली सब लोगों ने आपको चिंटू का घर बता दिया। इससे हमें ये जानने को मिलता है, छोटी सी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि राजेश जो है वो साइंटिफिक नाम है, मतलब ऐसा नाम जो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, और दूसरा नाम चिंटू वो कॉमन नाम है जो उसके इलाके के, उसके आसपास के लोग उसे चिंटू के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। तो कभी भी नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना। जैसे बच्चे का जन्म होता है, फिर हम कुछ दिनों के बाद उसका नामकरण करते हैं, तो एनिमल को और प्लांट को उनका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम देना, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। तो हम जो नोमेनक्लेचर देख रहे हैं वो कौन सा नोमेनक्लेचर देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, हम नोमेनक्लेचर जो देख रहे हैं वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मींस टू, नोमियल मींस नेम, एंड नोमेनक्लेचर मींस आर्ट ऑफ गिविंग नेम। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है आर्ट ऑफ गिविंग नेम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी प्लांट और एनिमल को उनका साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम कौन से कंसेप्ट देख रहे हैं? हम कंसेप्ट देख रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने डिस्कवर की थी, मतलब किसने इन्वेंट की थी? बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस टाइप ऑफ अ सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड कार्लस लिनियस। कीप इट इन माइंड, कार्लस लिनियस वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ही सेज दैट एवरी प्लांट एंड एनिमल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स टू नेम, वन शुड बी द कॉमन नेम एंड सेकंड शुड बी द साइंटिफिक नेम। आई टेल यू, दिस इज फर्स्ट शुड बी द कॉमन नेम, एंड कॉमन नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल नेम्स, एंड इट इज समटाइम ऑल्सो नोन एज अ ज्योग्राफिकल नेम, ज्योग्राफिकल नेम्स। और
मैं इतने सारे नेम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके सामने एग्जाम में पूछा जाता है तो कभी कभी वो नेम नहीं पूछा जाता है जो हमने सिलेबस में होता है, उसका एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है, बिकॉज नीट में पूछा जा सकता है डिटेल में, ठीक है। सो कॉमन नेम्स आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल नेम्स, ऑल्सो नोन एज ज्योग्राफिकल नेम, एंड फेमस वर्ड इज वर्नेक्युलर नेम्स, वर्नेक्युलर नेम्स, ठीक है। एंड सेकंड नेम क्या हो जाता है उसका, सेकंड नेम हो जाता है साइंटिफिक नेम्स। साइंटिफिक नेम्स को दूसरा कोई नाम नहीं, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में उसे यूनिक नेमिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये देखिए, कॉमन नेम्स आर आल्सो नोन एज लोकल नेम, आल्सो नोन एज ज्योग्राफिकल नेम, आल्सो नोन एज वर्नेक्युलर नेम्स। पीपल यूज टू कॉल्ड कॉमनली, देयरफॉर वी कॉल्ड कॉमन नेम, इट इज एज पर द रीजनल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लोकल नेम और ज्योग्राफिकल नेम, बट इट इज आल्सो नोन एज वर्नेक्युलर नेम। अब मैं आपको यहाँ पे कॉमन नेम लिखता हूँ और उसका मैं यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखता हूँ। हम दो प्लांट और दो एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से तुलसी प्लांट। सो तुलसी इज द प्लांट whose साइंटिफिक नेम इज, सामने लिखो, ठीक है। तुलसी इज द प्लांट, ये देखिए तुलसी प्लांट का साइंटिफिक नाम होता है ऑसिमम सैंटम। सो ऑसिमम सैंटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ तुलसी, एंड हियर तुलसी इज द कॉमन नेम। अब यहां पे तुलसी कॉमन नेम है, अगर हम बंगाल साइड जाएं, पश्चिम बंगाल साइड जाएं, तो तुलसी को कुछ और नाम हो सकता है। हिमाचल प्रदेश जाएं, आसाम जाएं, ठीक है, और उत्तराखंड जाएं, वहां पे कुछ और नाम हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में उसे तुलसी कहते हैं। तो एज पर द स्टेट उसका नाम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नाम है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं बदलेगा। आर यू गेटिंग गाइस? कॉमन नेम, इफ यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कॉमन नेम मे बी चेंज, बट साइंटिफिक नेम विल नॉट अंडरगो चेंजेस। जस्ट लाइक से फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटेटो साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज इपोमिया बटाटा। नाउ दिस इज द प्लांट, दिस इज द, जैसे हम रतालू भी कहते हैं, तो स्वीट पोटेटो इसे हम इंग्लिश में स्वीट पोटेटो कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं मीठा आलू, असमी साइड उसे कहते हैं कच्चा आलू, बंगाल साइड उसे कहते हैं मीठा आलू, मराठी में उसे कहते हैं रताड़ू, एंड और गुजराती में उसे कहते हैं साकरू। मैं ही कुछ 6-7 लैंग्वेजेस जानता हूं, तो मुझे इसे भी पता भी है और बुक में भी दिया हुआ है। तो ये जो स्वीट पोटेटो है, स्वीट पोटेटो इंग्लिश में स्वीट पोटेटो और सभी लैंग्वेजेस में इसके नाम अलग अलग बन जाते, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका इपोमिया बटाटा ही रहेगा। सो साइंटिफिक नेम जैसे राजेश है, आधार कार्ड पे, पासपोर्ट पे, इलेक्शन कार्ड पे, यस जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, सब पे राजेश लिखा हुआ है, लेकिन आसपास के लोग राजेश को ही नहीं जानता, वो क्या जानते हैं, चिंटू नाम से जानते हैं। तो चिंटू इज लोकल नेम, बट राजेश इज साइंटिफिक नेम। यस, स्वीट पोटेटो इज अ कॉमन नेम, इपोमिया बटाटा इज साइंटिफिक नेम, तुलसी इज अ कॉमन नेम, ऑसिमम सैंटम इज द साइंटिफिक नेम। हम दो एनिमल के बारे में देख लेते हैं, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच 11th स्टैंडर्ड में है हमें ऑलरेडी, सो इट इज कॉल्ड पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। अब हम देखते हैं बुल फ्रॉग, जैसे कॉमनली हम इंडियन फ्रॉग लेते हैं फ्रॉग, सो फ्रॉग साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड एज राणा टाइग्रिना। हम क्रैश कोर्स देखते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं, तो मैं आपको 50-60 नाम ऐसे ही बोर्ड पे समझा देता अगर हम रेगुलर लेक्चर ले रहे होते, तो हमारे पास जब काफी ज्यादा समय होता है। सो दिस इज अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आई होप सो आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वैल्यू समझ में आ गई होगी। अगर आप उस बंदे को राजेश 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 करके ढूंढते ही रहते तो पूरा दिन निकल जाता, शायद आपको राजेश नहीं पता चलता, ठीक है। और अगर आपने चिंटू नाम लिया तो एक मिनट में ही पता चल गया, क्लियर है। वैसे ही अगर आप इपोमिया बटाटा, अब आप ये सोच लो कि जो आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, नॉन बायोलॉजिकल बंदे हो, ठीक है, मान लो एक नॉन बायोलॉजिकल बंदा है, उसके सामने अगर मैं कहता हूँ यस ऑसिमम सैंक्टम, तो वो बंदा बोलेगा यार क्या पागल आदमी है, ऑसिमम सैंक्टम क्या है, ऑसिमम सैंक्टम तो उसे समझेगा ही नहीं। लेकिन अगर उसे मैं कहता हूँ ऑसिमम सैंक्टम ये तुलसी का नाम है, अरे तुलसी का नाम है, समझ रहे हो। तो मतलब कॉमन नाम ये होते हैं और ये साइंटिफिक नाम होते हैं। तो ये चीज है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर मींस गिविंग अ टू डिफरेंट नेम्स टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नाउ आई टेल यू रूल्स ऑफ अ बायनोमियल नोमेनक्लेचर।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आप साइंटिफिक नाम लिखते तो हो, लेकिन उसे लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो हमें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स अगर फॉलो नहीं किए हमने तो देयर इज वेस्टेज, यस, कुछ फायदे नहीं फिर ये टॉपिक पढ़ के। सो रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब किसी भी प्लांट और एनिमल को नाम देने से पहले हमें इन चार रूल के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई एक नई प्लांट की डिस्कवरी की, अगर कोई प्लांट मुझे मिलता है और मैं उसके बारे में पूरा डिटेल में टैक्सोनॉमिकल स्टडी करता हूँ, तो अब मुझे गवर्नमेंट अधिकार देती है कि मैं उस प्लांट को कुछ मैं खुद अपने तरफ से नाम दे सकूं। तो नाम देने के लिए मुझे चार रूल पता होने चाहिए, फिर ही मैं उसे उसके बाद ही मैं उसका नाम दे सकता हूं। सो फर्स्ट वन, यस, मैं यहाँ पे साइंटिफिक नाम लिख के रखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा पाता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ऑसिम हम आमला लिखते हैं, ठीक है, आमला, आमला ये इंग्लिश वर्ड है और उसे इम्बिलिका ऑफिसिनल। सो इम्बिलिका ऑफिसिनल इज द साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम इज आमला। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट रूल, साइंटिफिक नेम्स should not be more than 13 letters, should not be more than 13 letters and not less than 3 letters. सो ये देखिए, ये फर्स्ट वाला रूल है। आप दुनिया में किसी भी प्लांट और एनिमल का नाम देख लो, वो 13 लेटर से ज्यादा नहीं होगा और 3 लेटर से कम नहीं होगा। ये देखिए, इम्बिलिका, इज इट मोर देन 13? नो। इज इट लेस देन 3? ऑब्वियसली नो। ऑफिसिनल, इज इट मोर देन 13? नो। इज इट लेस देन 13? ऑब्वियसली नो। इम्बिलिका, IMBILICA, यहाँ पे तो बेसिकली 8 अक्षर हो गए, ये देखिए यहाँ पे 9-10 अक्षर है, 8-9 अक्षर है, तो ये 13 लेटर से ज्यादा नहीं है और 3 लेटर से कम नहीं है, तो ये फर्स्ट रूल होता है साइंटिफिक नेम का। ठीक है, सेकंड रूल है, मतलब साइंटिफिक नेम्स हैव टू एपिथेट, वन जीनस स्टार्ट्स विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड यू कैन से सेकंड स्पीसीज ऑल स्मॉल लेटर्स। ये वाला देखिए, एनसीईआरटी में क्लियर कट दिया हुआ है। साइंटिफिक नेम्स हैव अ टू एपिथेट, एपिथेट मीन्स टू वर्ड्स, साइंटिफिक नेम हैव अ टू वर्ड्स। मैं ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 50 एमसीक्यू लूंगा और 50 एमसीक्यू स्टार्ट करते से आपको आने चाहिए वो, तो ये इजीली समझ जाएगा आपको। ये देखिए, साइंटिफिक नेम्स हैव अ टू एपिथेट मीन्स टू वर्ड, वन इज अ जीनस, व्हाट इज दिस जीनस, दिस इज जीनस वर्ड, जीनस वर्ड स्टार्ट्स विद अ फर्स्ट कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर है, एंड सेकंड इज स्पीसीज, दिस इज स्पीसीज, ऑल स्मॉल लेटर, स्पीसीज के सभी लेटर स्मॉल होंगे और जीनस का फर्स्ट वाला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। थर्ड रूल, साइंटिफिक नेम्स should be italic
इन फॉन्ट फॉन्ट यू कैन से ड्यूरिंग टाइपिंग एंड एंड इफ हैंड रिटन मस्ट बी अंडरलाइन. ये देखिए साइंटिफिक नेम कभी भी इटैलिक फॉर्मेट में होना चाहिए. मैं आपको लिख के बताता हूं. ये देखिए इम्बिलिका ऑफिसिनल. अभी देखो लिखने में थोड़ा दिक्कत जा रही है क्योंकि हमारी जो हैंडराइटिंग होती है हम ऐसे नॉर्मल फॉन्ट में लेते हैं. तो ये क्लियर कट दिया हुआ है कि साइंटिफिक नेम अगर हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उस वक्त ये इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए. ये कौन सा फॉन्ट है? ये है इटैलिक फॉन्ट. जब हम एमएस ऑफिस में लिखते हैं तो लिखने के बाद यहाँ पे आई बटन होता है, तो अगर हम आई बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? वो इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इटैलिक फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर हम उसे बाय हैंड लिख रहे हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए? उसे हमें से अंडरलाइन करना चाहिए. सो दिस इज थर्ड रूल. फोर्थ रूल, साइंटिफिक नेम्स शुड एंड विथ एल लेटर. साइंटिफिक नेम शुड बी एंड विथ एल लेटर. एल स्टैंड फॉर लीनियस. कार्लस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टेक्निक बनाई और उनको क्रेडिट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए साइंटिफिक नेम के बाद डैश डैश के बाद हमें एल लेटर लगाना होता है. लेकिन ये आजकल के जो फोर्थ रूल है वो ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं और इसके कारण कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होते. लेकिन ये फोर्थ रूल के अंडर में ही आता है. सो दिस टॉपिक इज अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड.